नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मूसा सानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में सभी सवालों का जवाब देंगे। अगर कुछ छोड़ गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9830777377। हम डिस्क्रिप्शन में लिखते रहे मेरा मोबाइल नंबर। अगर कुछ छोड़ गया, कुछ क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन हो सकते हैं, दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन होना कहे आप मुझको पूछिए, हम सभी सवालों का जवाब देंगे। और हम तो ट्राई कर रहे हैं सभी सवालों को कवर करने के लिए इस वीडियो में। आप इस वीडियो का एंड तक देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपके सारी सवालों का जवाब हम पूरा कर सकें। और मैंने कुछ लिस्ट बनाया आपको लिए, मतलब मेरे लिए बनाया है। अगर मेरे बोलने में अच्छा हो गया, मतलब सुविधा होगा मेरे को, तो लिस्ट हम लिस्ट। और फास्ट जो बोलना चाहती हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में, मतलब क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्या क्रेडिट कार्ड होता है? ऐसा जो बैंक सोच लो, बहुत सारे बैंक है यहाँ पे, मतलब जो बैंक है मैक्सिमम बैंक का वहां से क्रेडिट कार्ड रहती है। लेकिन कुछ कुछ बैंक लाइक यूको बैंक, वहां पर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। कुछ कुछ बैंक है जिसमें क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, उनको जितना भी आप कुछ करो उस बैंक का क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लाइक SBI, एक्सिस, HDFC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बहुत सारे बैंक है। आप इस बैंक को ICICI भी है, बहुत बढ़िया है। तो अब इस बैंक में जाकर मतलब इस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है। और अगर क्रेडिट कार्ड पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही हम बोल रहे हो। फास्ट जो है, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए पैन कार्ड चाहिए। मतलब पैन कार्ड चाहिए, मतलब पैन कार्ड होगा और क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज है पैन कार्ड। और पैन कार्ड आपको मतलब हायर ट्रांजेक्शन भी करोगी ना बैंक के नॉर्मल बैंक अकाउंट पर, तभी पैन कार्ड लगता है। मतलब आप 50,000 के ऊपर आप पैसे निकालोगे बैंक से, वो भी आपको पैन कार्ड का नंबर लगेगा। उसलिए आपको पैन कार्ड करना ही पड़ेगा। अगर आपका एज 18 के ऊपर हो गया तो आपको पैन कार्ड करना ही होगा। मतलब करने का तो आपका अच्छा है, आपका भलाई के लिए आप कर रहे हैं। और तो क्रेडिट कार्ड आप बोल दिया, और पैन कार्ड, अगर और पैन कार्ड के ऊपर निर्भर करते हैं सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या होता है? जो नॉर्मल सिविल स्कोर रहते हैं इन्हें, आप अगर कोई पैन कार्ड इशू करते हैं वहाँ पे भी सिविल स्कोर रहते हैं। मतलब पैन कार्ड से रिलेटेड, मतलब पैन कार्ड में इंटर होता है क्या सिविल स्कोर होता है, और सिविल स्कोर नॉर्मल इन्हें रहते हैं। और अगर कोई मतलब लोन लेंगे आप, या कोई बाइक खरीदा वहाँ पे आप लोन चुकाया, और लोन चुकाने के बाद सिविल स्कोर मतलब प्लस होता है होने के बाद आपको लोन चुकाने के बाद आपको एक बोनस मिलता है और आपको अच्छा स्कोर होता है सिविल स्कोर। और नॉर्मल जो सिविल स्कोर होता है 300 से 900 के अंडर, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड स्कोर है, मतलब जिसमें आप मिल सकते हैं, आप सभी क्रेडिट कार्ड हो, मतलब जिस बैंक का आप अप्लाई करेंगे मिल सकते हैं, मतलब 80% ओवर 80% टाइम आपको मिलेगा। जो स्कोर है 750 में आपका स्टैंडर्ड स्कोर है। तो आप सोच रहे हैं मेरा तो उतना नहीं होगा, आपका आप चेक किया मेरा तो आपका उतना स्कोर नहीं है, 700 के आसपास है, वो भी आपको मिल सकता है, 650 के आसपास है तभी आपको मिल सकता है, लेकिन ज्यादा कम में आपको नहीं मिलेगा। और जो मिलने का जो बात है, अगर 750 के नीचे होगा तो जो मिलने का बात है वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा सैलरी स्लिप या ITR फाइल। अगर बिजनेस करते हो तो ITR फाइल होना जरूरी है, और ITR फाइल का वैल्यू होना चाहिए 4,80,000 मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आपको बढ़िया है, आपको मिल सकता है। सैलरी स्लिप भी जितना आपको पैसा होगा, मतलब जितना आपको सैलरी होगा उतना के मतलब उतना ही क्रेडिट देंगे, मतलब बैंक उस हिसाब से आपको क्रेडिट देंगे। और वो भी IT फाइल के IT फाइल में जितना वैल्यू होगा उस हिसाब से बैंक क्रेडिट देंगे। और हम ये नहीं बोल सकते हैं जो आपको है तो आप मिल जाएगा, मतलब आपको ITR है 4,80,000 रुपए का और आपका मतलब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, ऐसा नहीं, मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 750 होगा तो कोई बात नहीं, मतलब ITR तो अगर दिखाना पड़ेगा शो ऑफ करेगा तो अच्छा होगा। 750 होगा तो बैंक निश्चिंत में देता है, मतलब बैंक को पता है जो इन लोग इसके पहले कोई लोन को लिया इसलिए इसको स्कोर हुआ और स्कोर अच्छा हुआ, मतलब इन लोग मेरा जो लोन जो दे रहे हैं हम क्रेडिट कार्ड जो होता है, मतलब बैंक तो कुछ लोन दे रहे हैं आपको, मतलब एक महीने के लिए आप यूज करो, यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करने के बाद आपको टाइम लाइन देता है जो 15 डेज या 10 डेज या 12 डेज, उस टाइम लाइन के अंदर आपको पैसे पेड करो। बैंक कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है, मतलब जो कार्ड के चार्जेस थोड़ा रहती है ईयरली वो बहुत कम की रकम है। तो आप यूटिलाइज कर रहे हो 10 दिन के अंदर दे रहे हो पैसे, इसमें या 15 दिन के अंदर, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते उस टाइम के अंदर, मतलब नहीं दे सकते,
तो भी कोई बात नहीं, मिनिमम जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, मिनिमम पेमेंट अगर 30,000 का क्रेडिट दिया बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड में, तो आपका मिनिमम पेमेंट रहता है क्या 2,000 या 3,000 रुपए पेमेंट मिनिमम पेमेंट, और 7,000 रुपए अगर आपको सोच लो आपको मतलब शोध नहीं कर पाए, तो उसने क्या होगा बैंक और एक महीने टाइम लेगा, अगर एक महीना तुम लगा दिया उस सुखाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट कटेगा, इंटरेस्ट के हिसाब से वो प्लस करके आपको चुकाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आपको क्या बताओ, दरकार के टाइम में आपको बहुत बहुत फायदेमंद होगा, और बहुत लोग सोचते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, मतलब एक फोन लेंगे ऑनलाइन से, फोन का कीमत है 20,000-25,000, एक बार में इतना पैसा है कैसे दे, वो लोग कहता है क्या क्रेडिट कार्ड, वहां पे देखो बहुत सारे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो जो है स्नैपडील भी है, वहां पे ईएमआई भी देता है, और आप ईएमआई से आप क्या कर सकते हो वहां पे, वो आप मंथली रेंटल मतलब मंथली रेंट पे आप मंथली में वो डिवाइड मतलब भाग हो जाता है, मतलब आपका एक महीने में आपको 20,000 का फोन 12 महीने के लिए किया, वो 2,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ऐसे 1,800-1,900 रुपए करके आपको देना पड़ेगा 12 महीने। मतलब क्रेडिट कार्ड तो जो होता है, अगर सोच लो आपका स्कोर है 30,000 आपका बैलेंस है मतलब लिमिट है क्रेडिट कार्ड का 30,000, तो 30,000 में आपको आपने एक फोन लिया 20,000 का, आपका 20,000 कट जाएगा अकाउंट से, मतलब 20,000 लिमिट कट जाएगा। लेकिन जो बात है, अगर ईएमआई करोगी तो आपको 20,000 उस मतलब महीने के एंड पर नहीं देना पड़ेगा, आपको जो देना पड़ेगा वो है कि मतलब महीने में आपको मतलब 12 महीने में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट महीने आपको देना पड़ेगा जितना आपको ईएमआई का रकम होगा उतना देना पड़ेगा, 800 हो या 1900 रुपए या 2000 रुपए हो, ईएमआई जितना होगा पर महीना वो देना पड़ेगा महीने के एंड पे। मतलब आपका सुविधा है क्या, आपको पूरा एक बार में पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और जो है हमने बोल दिया आईटी फाइल के बारे में, 4,80,000 का मिनिमम आईटी फाइल होना चाहिए, और रेंज 750 के ऊपर अच्छा है, और 650 नीचे का वेरी बैड है, 650 के ऊपर एवरेज है, लेकिन एवरेज में काम नहीं चलेगा, 750 में बोला 80% मिलेगा, 80% चांसेस है आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हम बोल रहे हैं ईएमआई के लिए तो बोल ही दिया, और सभी क्वेश्चन का आई थिंक हम सॉल्व कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन में प्रेस कीजिए, और आपको पसंद नहीं आया तो हम पहले ही बोला डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं। और कोई भी क्वेश्चन है आपका मन में तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसका पहले भी बोल दिया, और मुझे सब्सक्राइब करो, और हम कमेंट सेक्शन में सब लिख दे रहा है, कहाँ पे जाकर सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन हम कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप चेक करिए। और कुछ दिन बाद मैंने एक मतलब बहुत जल्दी मैं गिव अवे करने वाला हूँ, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉच करना वीडियो जो जो हम पोस्ट करते हो, और इसका पहले भी जो किया वो भी देखना कैसे हुआ कमेंट सेक्शन में बताना, और हम ट्राई करेंगे आपके लिए आप लोगों का सेटिस्फेक्शन के लिए जो अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, और जो जो प्रॉब्लम होगा मेरे को व्हाट्सएप में है या कुछ मेल कर देना या कमेंट में लिख देना, जो उस बारे में आपको वीडियो का दरकार है, जिस बारे में आपको नॉलेज नहीं है उस बारे में आप वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।